गाइस ये बरगद का पेड़ है, पेड़ ही बोलेंगे इसको, ट्री है ये। और ये इसको अगर हम कट नहीं करें तो ये बहुत काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। और अगर इसका आपको वीडियो देखना है कि मैंने ये कैसे निकाला है उसमें से, तो आप देख सकते हो ये ऊपर का हिस्सा है, लेकिन ये कटिंग से लगाया था मैंने। ओके गाइस, तो ये मैं आप जो आपको सिखाने वाली हूँ कि इसका बॉन्साई कैसे बनाए, यानी कटिंग हम स्टार्ट हम कटिंग से करेंगे, कटिंग कैसे लगाना है। तो चलिए हम पहले कटिंग ले लेंगे। इससे पहले कि आगे वीडियो आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए एक। गाइस फ्रेंड्स, आपका लाइक बहुत हमारे लिए कीमती होता है। और गाइस चलिए तो हम पहले एक कटिंग ले। देखिए ये बड़ा प्लांट है और ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, ये यहाँ पर सीढ़ियों के पास रखा हुआ है, देख सकते हो आप। ये गिलास है यहाँ पे, और गिलास के यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ी बहुत धूप आ जाती है इधर, और ये बढ़ता भी है, काफ़ी बड़ा हो गया है ये। तो अब मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि ये बड़ी से बड़ी कटिंग भी हम लगा के बताएंगे आपको। ये देखिए मैं यहाँ से कट कर रही हूँ, काफ़ी मैं ये बोनसाई है गाइस, और ये काफ़ी बढ़ गया है, तो मैं इसको कट कर रही हूँ। इधर से कटिंग इसकी ले लेंगे, और ये भी हम इसको कट कर देंगे। ये बोनसाई है तो हमें इसको इतना नहीं रखना है। तो चलिए अब हम ये देखिए गाइस, मैंने ये 8 इंच के करीब कटिंग ले ली है। आप 10 भी लेंगे ना तो ये मोटा ही वाला हिस्सा है, इसकी 10 भी आ जाएगी, 10 इंच भी आ जाती है। और ये जल्दी से जितनी आप मोटी लेंगे उतने, ये इससे भी इतनी मोटी थी जब ये इधर वाला हिस्सा जब इतना था, जब मैंने वहाँ से निकाला ये ऊपर का हिस्सा था। और ये वाला गाइस वो उधर है, जो ये देखिए वो है, वो नीचे का हिस्सा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये मोटा हो रहा है। ये जब पतला था और वो मोटा था, थोड़ा बहुत फ़र्क था, मतलब ये वाली जब ये नीचे का हिस्सा इतना था, अब ये इतना हुआ। इसकी केयर करने पड़ती है बस, और कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी गाइस। तो अब चलिए हम मिट्टी का बता देते हैं। ये आप गार्डन सॉइल ले सकते हो, अगर मेरे पास क्या है सैंडी सॉइल है ये, तो मैं इसमें रेत नहीं मिलाई, ये मैंने सैंडी सॉइल है सिर्फ, और उसमें भी ये आ जाती है। और चाहे तो आपकी अगर चिकनी मिट्टी है तो आप उसमें सैंड मिला लें। बस अब ये करना ये है, बस इसको इतना सा, ये देखिए बस, ये गीली मिट्टी है, यहाँ पर बारिश हो रही है ना, अभी भी बारिश ही हो रही है। और ये एक एक करके, ये देखिए ये 10 इंच की है, 10-11 इंच की ये भी आ जाएगी, और ये छोटी है 6-7 इंच की तो ये भी आ जाएगी, और ये और छोटी है तो ये भी आ जाएगी। बस इस तरह से आप लगा दें, और फ्यूचर में जब रूट आ जाए तो क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। बारिश हो रही है, पूरा मिट्टी गमले की निकल के बाहर आ गई है। एक कटिंग और है ये, इसको भी मैं यही ऐसी लगा देती हूँ ऐसा। ये देखिए अब थोड़ा सा पानी दे देंगे हम, अब देखिए कि ये जो इसमें जो रूट आ गई है, ये देखिए इसमें रूट आ चुकी है। अब मैं इसको क्या करूँगी, बोनसाई बनाना है ना ये, तो मैं इसको कट कर दूँगी। इधर से क्योंकि मुझे मिनी बोनसाई बनाना है, तो मैं अभी से इसको ट्रेनिंग पे डाल देती हूँ। ओके गाइज, तो आप भी ये कर सकते हो, लेकिन इसको रखना हमें अंदर होगा क्योंकि इसमें पानी नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके पास अभी ये हल्दी वगैरह कुछ है तो लगा दीजिए इस तरह से, या फिर फोबिकॉल लगा दीजिए,
या फिर फंजीसाइड है कोई भी, तो वो लगा दीजिए। इसको इस तरह से खुला नहीं छोड़ सकते, इसको हम अंदर रखना पड़ेगा। हमें यहाँ मैं रख देती हूँ, और इसको तो ऐसा छोड़ सकते हैं क्योंकि आजकल धूप भी नहीं निकल रही है, काफ़ी बारिश हो रही है। और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, देखिए ये मैंने जो मोरिंगा मोरिंगा का सीड बताया था आपको एक मिनट के वीडियो में, तो ये देखिए ये आ गया है। अभी इसके पूरी तरह से नहीं आया, इसके पत्ते नहीं दिख रहे अभी, ये क्या क्या चीज़ है, लेकिन ये आ चुका है, देख लीजिए आप। एक आया, अभी और आएंगे नहीं तो। अब हमने 6 सीट लगाए थे, आप देख लीजिए, वो मैं लिंक डाल दूंगी। 6 सीट लगाए थे, 6 में से ये एक ही आया अभी। ओके गाइज, तो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और सेंड कर लीजिए फ्रेंड सर्कल में गाइज। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइज। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है और मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट का। तो गाइज कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। ओके गाइज, तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। गाइज एक लाइक कर दीजिए और फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके गाइज, तो हैप्पी गार्डनिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।